प्रवेश हो रही है जो मुनावर है, ये प्ले ग्राउंड में जज बना रखा है इनों को प्ले ग्राउंड वालों ने। तो गाइज क्या पुनीत सुपरस्टार एलविस यादव और मुनव्वर फारूकी पे नाराज है? बेसिकली पुनीत सुपरस्टार एलविस यादव और मुनव्वर फारूकी को पोक कर दिया। एलविस और मुनव्वर जैसे लोग प्ले ग्राउंड का मेंटर नहीं होना चाहिए, क्या टैलेंट है इसमें, कुछ इस टाइप का पोक किया। बाकी आप सभी सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। भाई ये एलविश और ये जो मुनावर है, ये प्ले ग्राउंड में जज बना रखा है इनों को प्ले ग्राउंड वालों ने। अबे प्ले ग्राउंड वालों, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? इन दोनों को तुमने जज बना रखा है, इनमें दोनों में खुद में क्या टैलेंट है? ये कर क्या रहे हैं वहां बैठकर? नहीं, इनमें टैलेंट क्या है? अभी इनको मैं 10 पुशअप मारने के लिए बोल दूं ना तो इनके बस की नहीं होगी, इनका जो है बॉडी हाँफ जाएगी और ये कुर्सी पर बैठ जाएंगे, और तुमने इन दोनों को जो है जज बना रखा है। अबे जज उसको बनाना चाहिए जिसमें खुद में कुछ दम हो, खुद में कुछ पर्सनैलिटी हो, जो खुद कुछ उछल कूद कर सके, खुद कुछ कलामंटी खा सके, बिल्डिंगों से कूद सके। अबे इन दोनों को बना रखा है तुमने जज। अबे इनमें टैलेंट क्या है? डांस आता नहीं इन्हें, कॉमेडी आती नहीं, बोलना आता नहीं है। गाइज आप सभी ने वीडियो को देख लिया सुन लिया कि पुनीत सुपरस्टार ने क्या बोला। बाकी आप सभी को इस मैटर पर क्या लग रहा है, आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या पुनीत सुपरस्टार ये सच में बोल रहा है या फिर ये सबको ही पोक करता रहता है, अपना मतलब क्रिंज कंटेंट के हिसाब से सबको पोक करता रहता है? आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन कॉमेंट्स में जरूर से बताइएगा। और हाँ, ऐसे अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।